आप देख रहे हैं कड़वाहट न्यूज नेटवर्क, मेरी यानी कि रक्षा यादव के साथ, और हम मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे अनोखे शो किस्सा मोहल्ले का, जहाँ हम जानेंगे जनता के सवाल और पार्षद के जवाब। वार्ड के पार्षद कौन है और आपका वार्ड क्रमांक नंबर? पार्षद चंगी राम जी है, वार्ड क्रमांक 4 है। अब आपके वार्ड में चंगी राम जी के आने के बाद से क्या क्या प्रगति हुई है और क्या क्या समस्याएं हुई है जो पहले भी थी? काम अच्छे किए पार्षद साहब ने, हमने जो भी उनके सामने समस्या लेके गए सारी समस्या हल हुई है। फिलहाल इतनी कोई विशेष समस्या है नहीं, गली में पानी बहुत डूलता है और पानी डूलने के कारण वहाँ जल जमाव बना रहता, गली के कोने पे वहाँ एक्सीडेंट वगैरह होते रहते पानी के कारण। और ये प्लाट है, इस पर तार फिनिशिंग नहीं हुए हैं तो प्लाट पर गंदगी हमेशा बनी रहती। मैम अगर बात हो तो पार्षद कितने वक्त के दौरान में मुआयदे के लिए अपने वार्ड में विजिट लेते हैं? आ जाते जब अपन बुलाओ तब आ जाते हैं, महीने 20 दिन में घूमते रहते हैं वार्ड में। मैम वार्ड में आपको लगता है कि पानी के अलावा और कोई समस्या है? नहीं और तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ समस्या है बस जो बता दे वो हल कर दी और वहाँ पे वो पानी भरा रहता है वो कराना हमारा। मैम स्वच्छता को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं पार्षद के द्वारा? पार्षद के द्वारा तो वैसे कुछ नहीं, हाँ गाड़ी आती है डेली कचरा वचरा की, रोज डेली आती नियम से सफाई, और झाड़ू वाला भी सफाई से रोज नियम से आते हैं हमारे यहाँ। पार्षद के अलावा अगर हम वार्ड की बात करें तो वार्ड के नागरिक कितना सहयोग करते हैं स्वच्छता के लिए? सभी करते हैं, सभी कचरा गीला कचरा सूखा कचरा सब करते हैं और सड़क पे कोई भी नहीं डालता है, डस्टबिन में डाल के और गाड़ी में डाला जाता है। दो दिन से नहीं आ रहा तो इतना दिख रहा नहीं, तो बिल्कुल साफ रहती है हमारी गली, बिल्कुल पानी के कारण नहीं आ रहा, नहीं तो डेली आता वो सुबह ही आ जाता 7 बजे और अपना काम करके चला जाता है। यहाँ सड़क दुर्घटना की कोई समस्या नहीं? ऐसा कुछ वहाँ पे कॉर्नर पे होता रहता पर वो रोड ही ऐसा है तो उस कारण वहाँ पे हो जाता है, बाकी कुछ पहला होता था यहाँ पे तो अब हमारे यहाँ खत्म हो गया, नहीं तो पहला यहाँ पे बहुत होता था, ये दुकान थी तो यहाँ पे बहुत होता ही रहता था, अब नहीं। जैसा कि हम देख पा रहे कि वार्ड क्रमांक 4 के नागरिकों को यहाँ पार्षद से कोई समस्या नहीं है, पार्षद सभी खुश नजर आ रहे हैं। आइए चलते वार्ड क्रमांक 4 के दूसरे नगर की ओर, जानते कि वहाँ लोग कितने खुश हैं और कितने दुखी हैं। यहाँ के पार्षद ने अपने पिछले कार्यकाल में क्या डेवलपमेंट करवाया है जो पिछले साल नहीं थे? कुछ भी नहीं करवाया, उसको बुलाया तो उसने बोला कि हम तुम्हें सब कर देंगे, कुछ भी नहीं करा और आके चले जाते। मैम क्या समस्या है यहाँ? हमारी तो समस्या है पानी बहुत भर जाता है बरसात का, वैसे भी ढलान सही नहीं करके रखी है, यह गार्डन यहाँ पे ना नर्सरी बना के रखी है तो बहुत परेशानी होती है, और आजकल ये बरसात में सब ये सांप भी निकलते हैं, ये समस्या यहाँ वो आप गार्डन बना दो। मैम आपने अपनी समस्या जो भी आपको समस्या हो रही है गार्डन की वो आपने कहाँ पर दर्ज करवाई थी? चंगी को बोला, यहाँ का जो पार्षद है उनको बोला था, वो कहते हैं यहाँ कंप्लेंट कर दीजिए लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जैसे कॉलोनी में हर जगह आप देखिए, चाहें तो आप फोटो ले लीजिए, हर जगह पानी भरा हुआ है, चैम्बर पूरे लीकेज हो रहे हैं। क्या यहाँ के पार्षद कभी भी यहाँ मुआयने के लिए आते हैं? नहीं कभी नहीं आए, मैंने तो सगल भी देखे। चुनाव के टाइम आते हैं बस, वो वोट लेने के टाइम। पानी की समस्या पे क्या चल रहा है? पानी की समस्या तो ये है कि नल भी कभी गंदा आता है, चैम्बर का पानी आता है, बहुत ज्यादा गंदा आ रहा है पानी। मैम सड़कों की बात करें तो सड़कें या सड़क दुर्घटना किस प्रकार से होती है सड़कों की? क्या बहुत होती है उस साइड तो बहुत ज्यादा होती है और इधर भी होती है, बच्चे 60 फीट पे बहुत होती है दुर्घटना। एक्चुअली क्या है कि जो सड़क वहाँ से जो कंटिन्यू बनती आ रही है यहाँ के कम बनी है, पूरी उतनी 60 फीट नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है कि यहाँ वहाँ स्पीड से आती हुई गाड़ी यहाँ आके स्लो नहीं होती और एक्सीडेंट आए दिन इस चौराहे से लेकर उस चौराहे में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। मैम आप आपके पार्षद को संक्षेप में क्या बोलना चाहते हैं? आके देखे ना, आके देखे, उन्होंने 4 साल में कुछ नहीं किया था, अब 4-6 महीनों में क्या करेंगे वो। यहाँ हमने वार्ड क्रमांक 4 में कही जा रही जनता की समस्या तो कही जा रही जनता के सुझाव। सिर्फ पहले आपका छोटा सा एक परिचय और आप ये बताएं कि आप किस वार्ड के पार्षद हैं? मैं वार्ड क्रमांक 4 से पार्षद हूँ, चंगी राम यादव नाम है मेरा। जी सर आप पार्षद पिछले किन गत वर्षों से हैं? मैं पिछले 4 वर्षों से। तो 4 वर्षों के कार्यकाल में आपने ऐसी क्या समस्या थी जनता की जो पहले नहीं थी और आपने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करवाया? मतलब कैसी क्या पूछना चाहते हैं आप? सर आपके 4 साल के कार्यकाल में ऐसी क्या समस्याएं थी जनता के पास पहले जिनको आपने अब उन्नति या प्रगति दी है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे ये थी कि ड्रेनेज की समस्या थी, तो ड्रेनेज की लाइनें हमने डाली, ड्रेनेज की लाइनों का ये था कि कहीं निकास नहीं था, तो एक 14 नंबर वार्ड से एक बड़ी लाइन डाल के अभी हम लेके आ रहा है, वो लाइन जब यहाँ आ जाएगी तो ये पूरा क्षेत्र ड्रेनेज से मुक्त हो जाएगा।
सर, जैसे कि जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ जगह जगह पानी भरा हुआ है, तो सर पानी की समस्या को लेकर अभी क्या चिंतन में है या इस पर क्या विचार कर रहे हैं आप? आज सुबह से मैं खुद स्वयं पानी निकलाता फिर रहा हूँ। ये क्या क्षेत्र बहुत डीप में है और पास में नदी है, सबसे आखिरी वार्ड लगता है जो पीलिया खाल नदी कहते हैं, सबसे आखिरी वार्ड लगता है। तो वो नदी के अंदर जब पानी बढ़ जाता है तो ये सबसे पानी जो पाइपलाइन से हम निकालते हैं तो ये पाइपलाइन हमारे यहाँ के रुक जाती है। जब वो नदी का पानी उतरेगा ये पानी अपने आप साफ़ हो जाता है, क्योंकि जब तक ये पानी भरा रहता है हमें, तो उसी के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं दूसरी जगह और इसको मिलाएं पानी। सर, जब हमें पता था कि नदी का पानी भी आने वाला है और ऊपर से बरसात आएगी, तो जनता के लिए, हमारे वार्ड के नागरिकों के लिए कितनी समस्या बढ़ जाएगी, तो इस पर पहले से चिंतन कर क्या रोकथाम किए गए? रोकथाम यही है कि जब तक वो पहले जो नदियाँ थी वो पहले नदी थी, आज नाले का रूप ले लिया उन्होंने। सब पूरा शहर देख लिया है कि बड़ी बड़ी नदियाँ थी, अब उनको छोटे छोटे नाले का रूप ले लिया, तो जब उसमें से पानी उतरेगा तो ही पानी निकलेगा, नहीं तो संभव नहीं। कुछ भी कर ले हम, क्योंकि बड़ी बड़ी लाइनें डाल दी, दो लाइन मैंने खुद ने डलवा दी वर्षा निकासी के लिए, लेकिन उससे पानी नहीं निकल पा रही है। सर, माननीय मोदी जी के द्वारा जो कदम उठाया गया है स्वच्छता अभियान का, सर उस पर हमारे वार्ड में, अगर देखिए वार्ड क्रमांक 4 में, तो उस पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उसके अंदर तो ये है कि जब मोदी जी को जो योजना थी उनके स्वच्छता अभियान की, जब देश में इंदौर पहली बार फर्स्ट आया था तो वार्ड क्रमांक 4 इंदौर में फर्स्ट आया था। इतना बढ़िया काम होता है मेरे वार्ड में। सर, सफाई को लेकर या जो समस्या आ रही बरसात को लेकर, इस पर आपके जो वार्ड है, वार्ड के नागरिकों के लिए आप क्या संदेश देंगे? संदेश ये है कि अब थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जब तक नदी का थोड़ा सा पानी उतरता है तो तत्काल पानी साफ हो जाता है, अब ये थोड़ा थोड़ा पानी जमा हो जाता है किसी तरीके का। मेरे वार्ड में कहीं पानी ऐसा नहीं है कि बारिश होने के 2-3-4 घंटे बाद भरा रही, ऐसा पानी कहीं नहीं भराता है। ये है कि जब पानी गिरता है, लाइन पूरी भर के चलती है तो थोड़ी देर पानी रहता है, उसके बाद तत्काल हो जाता है। इसके लिए हमारी नगर निगम की पूरी टीम पूरे समय रहती है। आज सुबह से कमिश्नर साहब ने 4 बार मेरे से स्वयं बात करी, वो पूरी मदद करते हैं हमारी। कड़वाहट न्यूज नेटवर्क से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये तो हुई वार्ड क्रमांक 4 की बात, लेकिन कल हम फिर मिलेंगे एक नए वार्ड के साथ, नई समस्याओं के साथ और नए समाधान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कड़वाहट न्यूज नेटवर्क।